राजनीतिक रूप से रैली हमारी पहली रैली है और कल जिस ढंग से एक देश का नाम आवाज नाम खास के बिहार के बात करने का हम लोग बहुत स्तर होते हैं कि आज रैली करें कार्यकर्ता सम्मेलन करें या भी करें सभी जगह आमदनी होने लगा होता गया तो हम लोग काफ़ी परेशान थे कि आज बैठक करें कि नहीं करें लेकिन इतना अवरोध के बावजूद भी आज जो समय है आज जो आप देख रहे हैं मैं समझता हूँ कि उसको लगता है कि आज पासवान जी की मीटिंग है पासवान जी जो हुआ करते थे इसे कारण इसी तरह की भीड़ इसी तरह का लोगों का हुजूम हुआ करता था तो उसको आज गर्व है कि पासवान जी नहीं है ये पासवान जी के छोटे भाई हैं और निश्चित रूप से मैं इस देश की जनता को खास के बिहार की जनता को मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पासवान जी दलित के लिए उचित के लिए ऊँची जाति के गरीब लोगों के लिए देश के उत्थान के लिए बिहार के उत्थान के लिए उन्होंने काम किया अपने 50 वर्ष के रूप में हैं जो भी काम उनका अधूरा रह गया है मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ बिहार की जनता को विश्वास दिलाता हूँ और खास करके हाजीपुर की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उनके अधूरे कार्यों का मैं उनके अधूरे सपना का मैं भरसक प्रयास करूँगा कि मैं उसको पूरा करूँ आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य है पार्टी संगठन कैसे मजबूत हो और हमारी पार्टी का सदस्यता अभियान कैसे अभी तक जो 38 जिला है उसमें हमारा 93 जिला का जिला का सम्मेलन हो चुका है घोषणा करेंगे अपने भाषण में जो रेस्ट जिला है रेस्ट जिला का जिला सम्मेलन भी होगा जिला जिन पर हमारे प्रदेशन में जाएंगे स्थानीय टाउन उद्यम पार्टी संगठन कैसे मजबूत हो इसकी चिंता आप लोग को है और चुनाव आयोग के द्वारा अभी फैसला नहीं हुआ फिर भी राष्ट्रीय लोक शक्ति पार्टी से जुड़ा है और हमारा चुनाव चिन्ह है सिलाई मशीन है मेरा चुनाव चिन्ह अभी हम लोग इसी पर काम करते हैं करते भी रहेंगे और जो हमारी पार्टी की सदस्यता है मेरा अपना अनुमान है कि जब 2024 का लोकसभा का चुनाव है 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले हम कम से कम 40 लाख अपने पार्टी के सदस्य बनाएंगे पूरे बिहार में पूरे देश में बनाएंगे हमारा सोच है और हम संगठन को बिहार से लेकर पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी को भेजा जाता है दूसरा हमारा पार्टी जो हमारी पार्टी का जो संगठन है जो संस्था अभियान होगा पार्टी का जो संगठन है वो हम गाँव स्तर से लेकर जिला स्तर तक हम मजबूत करेंगे आज आप कितने भेजिएगा कि जो हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन है चाहे राष्ट्रीय लोक शक्ति पार्टी का हो या दलित सेना का हो दोनों दल दोनों राष्ट्रीय लोक शक्ति पार्टी और दलित सेना दोनों जो हमारे ज्वाइंट कार्यकर्ता हैं सभी लोगों को हम लोगों ने निर्देश दिया था कि जिला अध्यक्ष प्रखंड अध्यक्ष और पंचायत अध्यक्ष भागीदारी होनी चाहिए और उसको बहुत खुशी है जितनी भी इतना परेशानी के बावजूद भी ताबूत के बावजूद भी 99% हमारे वोटर्स पूरे बिहार से पंचायत के अध्यक्ष हैं हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं जिला अध्यक्ष हैं काफ़ी संख्या काफ़ी उपस्थिति हुई है लोगों का वो तो आप देख रहे हैं जितने लोग हमारे अंदर में हैं उतना ही लोगों का लोग बाहर में ये मुझको खुशी है और मैं आज इस बैठक के माध्यम से मैं आज जो हमारे कार्यकर्ता लोग आए हैं इस मीटिंग में मैं उनको तहे दिल से बधाई देता हूँ और हमारे लंबे देखिए हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी आए हैं विनोद नागर जी हैं संजय सराफ जी हैं हमारे महिला रक्षा हैं गुप्ता जी हैं और सब तमाम लोग हमारे प्रदेश के हैं जियालाल जी हैं जोसफ जी हैं और हमारे हैं बिहारी हैं सब लोग हैं और हम पाँचों सांसद बिहार के लोग पाँचों सांसद हैं पाँचों सांसद की उपस्थिति है पुलिस आदमी का कुछ मीटिंग था कि आधे घंटे में पुलिस आदमी पहुँच गए और साथ ही मैं बधाई देना चाहता हूँ हाजीपुर की जनता को हम NDA गठबंधन के तहत उनको विधान परिषद का केस मिला हाजीपुर भाजपा ने अपने कोटा से उनको सीट किया और हमारे अंदर के राजद विधान पार्षद सदस्य भूषण कुमार जी आप सामने मौजूद हैं मैं इनको हाजीपुर की जनता की बधाई के साथ साथ मैं इनको ही बधाई देता हूँ कि ये इन्होंने जो जीत हासिल किया है लोगों ने ये विश्वास दिलाया है इन्होंने पूरे बिहार के लोगों को राष्ट्रीय लोगों की पार्टी का अपना महत्व है अपना अस्तित्व है उनको एक सीट मिला और एक सीट में हम भारी बहुमत से चुनाव जीते ये हमारी उपलब्धि है
इसलिए आज के माध्यम से मैं आपको हम संपूर्ण कराना चाहता हूँ कि मुझे इसी में बेरोजगारी है, खासकर के हमारे समाज के लोग हैं। मेरा जो राजनीतिक प्रस्ताव आ रहा है उसमें हमने किया है, आज से पूर्व देश का आजाद हुआ था उसमें पासवान जाति को 99% हमारे पासवान समाज के जो लोग थे वो चौकीदार माने जाते थे, लेकिन आज जो चतुर्थ वर्ग की श्रेणी में चौकीदार की श्रेणी मिला है वो आज उसकी व्यवस्था को बिहार सरकार ने बदल दिया। इसलिए हम बिहार सरकार से मांग करते हैं, आपके जो राजनीतिक मेरा प्रस्ताव गया है तो उसमें मांग करते हैं कि पूर्व के भांति जो हमारे विधानसभा के जो लोग थे, खासकर पासवान समाज के लोग थे, उनकी नियुक्ति अनुकंपा के आधार पर उन्हीं के परिवार से की जाए हमारी मांग है। दूसरा हमारा मांग है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरे देश का निर्माण बन रहा है, 1,30,000 पैसा दिया जाता है। हम प्रधानमंत्री से बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जी से भी मांग करता हूँ, इतनी महंगाई हुई है उसको 1,30,000 को दोगुना करने की बात है, हमारी पार्टी मांग करती है इसको जस्ट डबल कर दिया जाए। वृद्धावस्था जो गरीब लोगों को है, वृद्धावस्था गरीब लोगों जो है उसको जब पेंशन मिला उसको हम दोगुना करने की बात करते हैं। बेरोजगार लोग जो हमारे साथी हैं उनको रोजी रोटी मिलना चाहिए, मनरेगा में जो मजदूरी मिलता है उसको भी अधिक से अधिक मिलना चाहिए, ये हमारी पार्टी का डिमांड है और हम पार्टी को संगठन की मजबूरी करेंगे। इसी उद्देश्य से आज हमने पार्टी संयुक्त बैठक बोला ऐसा है। पूरे देश में आपने आंदोलन किया और पूरे देश में जो हम नौकरी दे रहे हैं, भारत सरकार नौकरी दे रही है, बिहार सरकार नौकरी दे रही है, इसके लिए आपने खुशी जाहिर तो नहीं किया, चार साल के लिए नहीं है, ट्रेनिंग पीरियड है, चार साल के बाद प्राथमिकता मिलेगी उनको, उनको दूसरे लोग को प्राथमिकता मिलेगी, जिससे 75% बेरोजगार हो जाएंगे। चार साल का हीरो चार साल इतना दिन से बेरोजगार होगा, कुछ युवा कुछ इक्कीस लाख रुपया मिलेगा आपको और आपको एक डिग्री मिलेगा, फिर आपको दूसरे कंपनी में प्राथमिकता दी जाएगी, आपका पॉइंट बनेगा उसमें। इसलिए ये देश के हित में राष्ट्र के हित में है। चलिए जो कहने लगे पत्थर के आंसू बहाने को खाली करें। बिल्कुल सही है। अरे कैमरा कहाँ गया लेकिन? प्रदेश के महासचिव हैं राष्ट्रीय लोक जनता की पार्टी के, अपनी बात को एक मिनट में रखेंगे।